प्रिय जिज्ञासुओं, आज आपके समक्ष आध्यात्मिक से संबंधित कुछ विशेष बात करने जा रहा हूँ। जब हम किसी भी देवता का पूजन करते हैं, सत्यनारायण की कथा करें, रुद्राभिषेक करें या आरती करें, और कोई भी देवता का जब पूजन करते हैं तो पूजन करने के पश्चात उनको पुष्पांजलि अर्पण की जाती है। पुष्पांजलि क्यों की जाती है? यद्यपि ये पुष्पांजलि का जो प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, उसमें राजाधिराजाय प्रसह्यसाय ने नमो भयम वही श्रवणाय कुरुमहे, ये जो हुआ है तो राजाधिराजा है, ये रावण के जो बंदीजन थे, रावण के जो पंडित लोग थे, वो उनकी आगमन पर ये उनकी आगवानी करते थे इस स्तुति के द्वारा। लेकिन वो स्तुति किसी के लिए भी की जाए, लेकिन वो स्तुति अपन परमात्मा के प्रति भी अर्पण कर सकते हैं किसी के लिए। ऐसा नहीं कि रावण के प्रति होती थी अब वो अछूत हो गई तो उसको हम नहीं कर सकते। वो प्रार्थना के रूप में है और उनके आगमन की स्तुति है। अब पुष्पा और भगवान के जब हम पूजन करते हैं, पूजन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसमें हम पुष्पांजलि के रूप में भगवान को ये अर्पण करते हैं कि प्रभु प्रायश्चित रूप में हम ये पुष्प आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, हमारी पूजा में की हुई गलतियां हैं उनको आप क्षमा करें, और हमने जीवन में जो अपराध किए हैं उन अपराधों को आप क्षमा करें, इसके लिए पुष्पांजलि की जाती है। अब पुष्पांजलि का जो वैज्ञानिक रूप है उसको मैंने अपने खोज करके निकाला है, तो वो आप समझिए। मनुष्य के 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियों में 3 ज्ञानेंद्रिय और 1 कर्मेंद्रिय यानी कर इंद्रिय जो है हाथ, और ज्ञानेंद्रियों में नेत्र और मुख यानी जिह्वा और नासिका, ये 3 वो हो गई और 1 कर हो गया हाथ। ये 4 ज्ञानेंद्रियों में 3 ज्ञानेंद्रिय और 1 कर्मेंद्रिय, इन 4 इंद्रियों में से कोई भी पाप करने में अग्रगण्य 1 इंद्रिय होती है, दूसरी इंद्रिय उसके पीछे चल देती है, लेकिन प्रथम पाप को ढोने में प्रारंभिक कारण जो है सो कोई 1 इंद्रिय रहेगी। फिर 1 इंद्रिय जब पाप करने में अग्रगण्य होती है, जैसे हमने नेत्र से कोई रूप को देखा, तो रूप को देखने के पश्चात फिर हमारी दूसरी इंद्रिय उसको प्राप्त करने के लिए एक संयमित हो जाती है, सन्नद्ध हो जाती है। रूप को देख करके नेत्र इंद्रियों जो हमारी वो अग्रगण्य हुई अपराध करने में, और फिर कर्मेंद्रिय जो है सो उस दृश्य को स्पर्श करने के लिए जो है सो उद्धित हो जाती है। तो इस प्रकार से पाप करने में कोई भी जो है सो इंद्रियों में से 4 में से 1 अग्रगण्य होती है, दूसरी भाव अनुभाव संचारी भाव है? और उसके पश्चात व्यभिचारी भाव और रस उत्पत्ति, यानी पहले भाव जागृत होता है, फिर भाव के पीछे 1 अनुभव जागृत होता है, और फिर संचारी भाव होता है, फिर व्यभिचारी भाव होता है, फिर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे हमने कोई रूप को देखा तो भाव बना, उससे भाव के बाद में अनुभव जो है तो उसके पीछे लग जाता है, फिर संचारी भाव यानी संचरण होने लगता है, अब उसकी प्राप्ति के लिए संचरण के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो भाव अनुभाव संचारी भाव और फिर व्यभिचारी भाव, फिर उसमें प्रतिक्रिया चालू करने के लिए व्यभिचार उत्पन्न होता है, और फिर जब व्यभिचार उत्पन्न हुआ उसको स्पर्श किया, उसके बाद रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से कोई भी दृश्य को देख करके, कोई भी वस्तु को सुन करके, कोई भी जो है सो
जो जितनी भी जो है वस्तु प्राप्ति के लिए ये चार भाव जो है तो संक्रमित होते हैं। तदनुसार अब ज्ञान इंद्रिय एक तो नेत्र हो गए, एक जिह्वा हो गई और एक नासिका हो गई, रूप रस गंध और स्पर्श। रूप नेत्र ने देखा, रस जिह्वा ने टटोला और गंध नासिका में लिया और स्पर्श किया करने। तो पहली नेत्र इंद्रिय अग्रगण्य हुई, दूसरी पीछे उसके चल दी, उसके बाद में लास्ट में जो है तो कर्म इंद्रिय जो हस हाथ है वो स्पर्श करता है। इस प्रकार से ये चारों इंद्रियां जो है तो उस अपराध में संलिप्त हो गई। अब इसीलिए भगवान के सामने हम पुष्पांजलि अर्पण करते हैं कि पुष्प की अंजलि क्यों उत्पन्न भगवान के सामने समर्पित करते हैं कि पुष्प के अंदर ही एक ऐसी व्यवस्था, संसार के अंदर जितनी वस्तुएं हैं उसमें पुष्प ही एक ऐसा है जिसमें रूप है, देखने में सुंदर होता है, तोड़ने में उसको रस निकला, रूप रस गंध, सूंघने में सुगंधी आती है और स्पर्श करने में चिकना होता है। तो इस प्रकार से चारों जो इंद्रियों का जो स्वरूप है वो पुष्प के अंदर रहता है। तो भगवान के सामने हम ये पुष्पांजलि अर्पण करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमने इन इंद्रियों के द्वारा जो अगर अपराध किया है किसी प्रकार से उसको आप क्षमा करें और हम ये अपराध उसके प्रतिज्ञा रूपी पुष्प हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं, इसके लिए पुष्पांजलि की जाती है। ये समझने का विषय है, आप इसको जो है सो ध्यान से समझेंगे और पुष्पांजलि भगवान को अर्पण क्यों की जाती है इसको आप मैंने समझाया और आगे भी मैं आपको विशेष ज्ञान की वस्तु में बताता रहूँगा। हरिओम तत्सत।